नमस्कार भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लक्ष्मी जी की कथा। कथा सुनने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की एक बेटी थी, वह हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर आऊँगी। लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से सारी बात बताई तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी मैया है, अपने को क्या चाहिए, उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई तो लक्ष्मी जी ने निकलकर कहा, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, मैं सहेली बन जाऊंगी, और दोनों एक दूसरे की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा, सहेली के जीवने जाने पर घर संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला उढ़ाने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जब वह जीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीवने आऊँगी। लड़की बोली, आ जाना। लड़की घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आई है तो उदास क्यों बैठी है? लड़की बोली, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊँगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। पिता बोले, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चार मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका नौलखा हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और नौलखा हार डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उस लड़की ने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा, मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएँ क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेंगी, लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने भी की। लड़की लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। यह कहकर लड़की चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी रही। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सब दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय लक्ष्मी माता।